नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, लेकिन एक एग्जैक्ट सच्ची घटना जो हमें अपने रिसर्च में मिली वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो घटना है ये एक हिस्सा है 1914 से लेकर के जो 1918 में वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जो इंडियन सैनिक थे, भारतीय सैनिकों के जो बयान है, जो स्टेटमेंट्स है वो हमें मिले। इतने भयानक हो सकता है वहाँ पर कुछ, ये हमने भी कभी नहीं सोचा था। आइए हम आपको सुनाते हैं उनका एक स्टेटमेंट। टूरी लैंसर में तार भेजने का काम करने वाले नत्था सिंह ने मेसोपोटामिया स्थित 7वीं लैंसर में एक दफादत मित्र को लिखे पत्र में मौसम की कठिनाइयों के बारे में लिखा। यहां बहुत ठंड है, इसके बारे में दो किस्से हैं। एक दिन हम में से 3-4 ये सिग्नलर टेलीग्राफ और टेलीफोन पर काम कर रहे थे। जब हमारे संदेश पूरे हो गए तो तार में एक जाट ने कहा, अगर ठंड 1-2 महीने ऐसे ही चलती रही तो हम खुशी से यह धरती छोड़ देंगे। जब मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूं या चुटकुले की तरह सुनाता देखता हूं तो जोर का ठहाका लगा देता हूं। दूसरी कहानी यह है कि 19 नवंबर को जब मैंने पत्र लिखना शुरू किया तो देखा कि इंक स्टैंड में स्याही जम गई है। मैंने दवात को तोड़कर स्याही निकाली और उसे आग में पिघाल कर आपको पत्र लिखा। दोस्तों, एक पत्र और ऐसा है जो इतने जो युद्ध में जो भयानक हादसे घटे उसको बहुत जबरदस्त तरीके से बयां करता है। ये पत्र लिखा था राइफल मैन अमर सिंह रावल ने, जो कि गढ़वाल राइफल का एक हिस्सा थे। और किनको लिखा था? वो थे दयाराम झापलियाल, तो जिला गढ़वाल यूपी में। 1 अप्रैल 1915 को ये लिखा गया या पहुंचा। ब्राइटन एक जगह है, वहां पर किचनर भारतीय अस्पताल है, वहां शायद ये दाखिल थे। तो मेन चीज जो उन्होंने लिखा उससे आप अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि किस भयानक स्थिति में वो लोग वॉर लड़ रहे थे। इंडियन सोल्जर्स, युद्ध की स्थिति ऐसी है जैसे पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं और पूरी धरती को ढांप लेती हैं। ऐसा ही यहां है, पूरी धरती शवों से ढकी हुई है और कोई भी खाली स्थान नजर नहीं आ रहा। केवल घायल इंसान ही जीवित हैं, बाकी सब मर गए। हमें लाशों के ढेरों पर रहना पड़ता है, उन पर ही सोना भी पड़ता है, क्योंकि कहीं खाली जगह नजर ही नहीं आती। आपने सुना होगा कि कौरव पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध के आगे वो कुछ भी नहीं था। हमने अपनी संगिनों और खुकरी से जर्मन खाइयों पर हमला किया और उधर से घनघोर बारिश से भी तेज गोलियों की बौछार हुई। जर्मनों का बहुत नुकसान हुआ और हमारे भी बहुत साथी मरे। ये स्टेटमेंट राइफलमैन अमर सिंह रावल ने दिया। जो उन्होंने लिखा आप उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि उस समय 1914 से लेकर के 1918 में क्या स्थिति थी। इस पत्र को आपको सुनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि हम जो अपनी छोटी छोटी परेशानियों से इतने परेशान हो जाते हैं और बिल्कुल लाइफ के लिए थैंकलेस हो जाते हैं, एक बार अंदाजा जरूर लगा करके देखिए उस समय पर 1915 में 1 अप्रैल को उस व्यक्ति ने जो सब कुछ झेला, जो देखा, और उस जैसे न जाने कितने सोल्जर्स और साथ ही जो इंडियंस थे यहाँ भारत में, जो ब्रिटिश राज के हुकूमत के अंदर अपनी फ्रीडम की स्ट्रगल लड़ रहे थे, उन्होंने क्या क्या देखा होगा। तो इन्हीं पूर्वजों को सलाम है और एक ये रियल एग्जर्प्ट
हमारी यही कोशिश थी कि आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। हम फिर लौटेंगे एक नए, थोड़ा सा हमने अपने चैनल का मोड़ भी थोड़ा सा बदला है, आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं थोड़ी सी रिसर्च करके। तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये सब हमें कहीं भी पढ़ने में नहीं मिलता, ना कि हिस्ट्री में हमें बताया जाता है। तो आप सभी का इस वीडियो को इतने इत्मीनान के साथ देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आइए केवल 2-4 मिनट हर मंगलवार की तरह बैठें, आंखें बंद करके एकांत में प्रार्थना करें कि हम जल्दी अब इस कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त हो और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में अच्छे से जी सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा।